हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप मोल कॉन्सेप्ट के प्रीवियस वीडियोस को प्रॉपरली फॉलो किया होगा आपने, और जितने भी कॉन्सेप्ट अभी तक हमने सीखे हैं उसको आपने ढंग से समझा होगा। आज के इस वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली ये कुछ वैसे क्वेश्चंस हैं जिनको प्रैक्टिस करके हम ये समझ सकते हैं कि एक्चुअली मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे किया जाता है, उन्हें इजीली सॉल्व कैसे किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है क्लोरोफिल द ग्रीन कलरिंग मटेरियल इन प्लांट्स। देखो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और एक इन्फॉर्मेटिव आइडिया भी इसके अंदर। आपको पता है क्लोरोफिल जो आपने बायोलॉजी में पढ़ रखा है प्लांट के अंदर होता है, ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके अंदर एक्चुअली सम अमाउंट में जो यहाँ पे मेंशनड है 3.68% ऑफ मैग्नीशियम होता है बाई मास। ठीक है, अपने को कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम्स इन 5 ग्राम ऑफ द कॉम्प्लेक्स। द कॉम्प्लेक्स इज क्लोरोफिल। ठीक है, तो देखो अपने पास जब भी क्वेश्चन आए तो अपने को क्या करना है, अपने को सबसे पहले ये समझ लेना है कि इन्फॉर्मेशन गिवन क्या क्या है। इन्फॉर्मेशन गिवन अपने पास ये है कि एक कॉम्प्लेक्स है अपने पास और वो कॉम्प्लेक्स है क्लोरो फिल। ठीक है, अब ये जो क्लोरोफिल है ये कोई इसके कोई केमिकल फॉर्मूला होता होगा। ठीक है, इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो है कि 3.68% मैग्नीशियम है बाई मास। बाई मास का ये मतलब हुआ कि जितना मास क्लोरोफिल का होगा उसका 3.68% जो है उसके अंदर मैग्नीशियम होगा। तो अब क्लोरोफिल का मास गिवन है क्या? हाँ जी गिवन है, देखिए 5 ग्राम। तो यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि क्लोरोफिल 5 ग्राम ये मेंशन कर दिया हमने। अब अगर मेरे को मैग्नीशियम का मास निकालना हो सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी 3.68% ऑफ मास ऑफ क्लोरोफिल दैट इज 5 ग्राम। तो ये वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं, निकाल लेते हैं भाई 3.68 इंटू 100 इंटू 5% इसके टर्म में ऐसे निकालते हैं। इसको जब आप सॉल्व करेंगे सो इट विल बी अराउंड 0.184 ग्राम। तो मैग्नीशियम का कितना मास है ये अपने को पता चल चुका है, लेकिन अपने को फाइंड क्या करना था। देखो भाई अपने को फाइंड करना है मैग्नीशियम एटम्स कितने हैं ये। तो फिर से थोड़ा मोल कॉन्सेप्ट जो हमने सीखा है उसको लगाते हैं। मास गिवन है, एटम निकालना है। क्या हम ऐसे रिलेशंस को पढ़ चुके हैं? बिल्कुल पढ़ चुके हैं। मास से पहले मोल निकालते हैं और मोल से एटम को निकालते हैं। आपको याद होगा वो वाई मैप जो हमने बनाया था, मास मोल और नंबर ऑफ पार्टिकल और साथ ही साथ वॉल्यूम को रिलेट करता हुआ, उसी को यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे मोल। सो मोल ऑफ मैग्नीशियम कैसे निकलेगा, गिवन वेट दैट इज 0.184 कैलकुलेट कर लिया अपॉन मोलर मास। मैग्नीशियम का मोलर मास होता है 24। ठीक है, अब दिस मच मोल ये जो भी होगा सॉल्व करके, मोल के बाद अब मेरे को नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम्स चाहिए। तो मोल से एटम कैसे निकालते हैं, मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर इज Na। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। Na की वैल्यू क्या होती है, Na की वैल्यू होती है 6.023 10^23 अपॉन 24। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे सो दिस वैल्यू विल बी 4.617 इंटू 10^21 मैग्नीशियम एटम्स। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर है? तो पहले क्लोरोफिल गिवन था 5 ग्राम, उसका 3.68% जो है मेरे पास मैग्नीशियम था, तो हमने वो वैल्यू निकाल ली। और वो वैल्यू निकालने के बाद फिर हमने एक्चुअली इसके मोल्स निकाले और मोल से फिर एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई करके एटम्स निकाल लिया। स्टेप वाइज काम कर रहे हैं और बहुत ईजिली हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है कि 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस क्या होगा भाई, N2 गैस। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है N होगा या N2 होगा, इसमें कन्फ्यूजन नहीं है क्योंकि नाइट्रोजन गैस N2 के फॉर्म में होगा। 22 ग्राम ऑफ CO2 गैस। ठीक है, दो डिफरेंट गैस के बारे में बात की गई है और उनके मास गिवन है, उनको मिला दिया गया। तो अपने को पूछ रहा है फाइंड वॉल्यूम ऑफ गैसेज मिक्सचर एट STP। तो भाई जरा देखना STP पे वॉल्यूम गैस को लेके जैसे ये टर्म आता है अपने दिमाग में चीज़ें हिट करती हैं। ऐसा कुछ हमने पढ़ा तो है, पढ़ा ये है कि 1 मोल ऑफ गैस एट STP will have a volume of 22.4 liter। अब देखो यहाँ पे 1 मोल ऑफ गैस, तो गैस कैसा भी हो अगर वो 1 मोल है तो उसकी वॉल्यूम 22.4 लीटर होती है। तो अगर हम मिक्सचर है अपने पास ना, तो अपने पास एक कंटेनर है मान लो और इसके अंदर नाइट्रोजन गैस भी है और साथ ही साथ क्या है CO2 गैस भी है।
तो अगर मेरे को दोनों का मोल पता चल जाए तो दोनों के मोल को अगर मैं ऐड कर दूं तो नेट मोल पता चल जाएगा और फिर उसको 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल बी आवर आंसर। तो एन टू गैस का वेट है 14 ग्राम, ठीक है, तो ये है अपना वेट। सी ओ टू गैस का वेट है 22 ग्राम, ठीक है भाई। अब अगर मान लो अपने को मोल निकालना है, कैसे निकालते हैं, गिवन वेट अपॉन मोलर मास, एन टू का 28 है, बताओ बताओ है कि नहीं है, दिस इज 0.5 मोल। सी ओ टू का 22/44, दिस इज ऑल्सो 0.5 मोल, ठीक है। तो नेट गैसियस मोल्स कितने हो गए अपने पास, ये हो गए 0.5 + 0.5, दैट इज 1 मोल, ठीक है। सो वॉल्यूम will be equal to number of mole into 22.4 liter, number of mole 1 है, so 1 mole के लिए तो 22.4 liter ही answer होता है, our answer is 22.4 liter, clear है, चलिए आगे बढ़ते हैं। simple सा question था, volume और mole का relation को use किया हमने। अब next question में अपने पास given information है कि 160 gram of SO2 sample है, तो sulfur dioxide gaseous form में कह रहा है, 160 gram है, चलो भाई ठीक है। अब बोल रहा है कि 1.2046 × 10^24 मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2 आर रिमूव्ड। मान लो एक कंटेनर के अंदर 160 ग्राम SO2 है, इसमें से कुछ SO2 बाहर निकाल लेते हैं और वो है 1.2046 × 10^24 SO2 मॉलिक्यूल्स आर व्हाट भाई बताओ, टेकन आउट, निकाल लिया गया। तो अपने को पता करना है वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट SO2 एट STP, ठीक है। चलिए फिर से वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए भाई, वॉल्यूम निकालने के लिए हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा, अगर नंबर ऑफ मोल इंटू 22.4 लीटर कर देते हैं तो वॉल्यूम निकल जाता है। STP की ही बात हो रही है तो 22.4 को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज अपने को चाहिए नंबर ऑफ मोल ऑफ SO2 जो रिमेनिंग होगा, तो कितना SO2 टेकन आउट हो गया पहले वो निकालते हैं। सो मोल ऑफ SO2, ठीक है, रिमूव्ड कितना निकाल लिया गया, वो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मोल निकालने का तरीका तो अपने को पता है, Na से डिवाइड कर देते हैं, 6.023 × 10^23, देखो देखने में तो बड़ा सा नंबर है लेकिन बहुत ईजिली देखो कट रहा है 10, एंड दिस इज योर 0.5, देखो 0.2 एक्चुअली, ठीक है। तो अब जब इसको सॉल्व कर लेंगे सो यहां से ये आ गया 2 मोल, सो 2 मोल SO2 निकाल लिया गया है, ठीक है। तो अब बचा कितना, तो एक्चुअली मोल्स कितने थे वो जरा हम निकाल लें क्या, देखिए ओरिजिनल मोल्स SO2 के गिवन वेट अपॉन इट्स मोलर मास, ठीक है, और SO2 का मोलर मास कितना होगा बताओ, सल्फर का 32 प्लस 16 × 2 दैट इज 64, सो 160 / 64 सॉल्व करेंगे तो इट विल बी अराउंड 2.5 मोल्स, ठीक है। तो 2.5 मोल ओरिजिनली था और 2 मोल निकाल लिया गया, तो रिमेनिंग मोल्स कितने हो गए भाई, रिमेनिंग मोल्स हो गए अपने पास ओरिजिनल मोल्स में से जो हटाया वो घटा देते हैं, सो 0.5 मोल्स बच गए अपने पास। अब रिमेनिंग वॉल्यूम ही तो निकालना है अपने को एट एस टी पी के लिए कुछ नहीं, बस नंबर ऑफ मोल को 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद अपनी वैल्यू आ रही है 11.2 लीटर, दिस इज योर डिजायर्ड आंसर, क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सैंपल ऑफ C2H6 को इथेन जो है आपने पढ़ा भी होगा 10th में हाइड्रोकार्बन टाइप के चैप्टर्स, उसमें इथेन जो है C2H6 इसका एक सैंपल लिया गया है। बोल रहा है इट हैज सेम मास एज 10^7 मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन, सो हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H6 कंटेन द सैंपल। अब अपने को जो फाइंड करना है वो फाइंड क्या करना है, फाइंड है अपने को करना मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H6, ठीक है भाई। मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na करके निकालते हैं, तो अपने को मेन चीज अब पता होनी चाहिए वो होनी चाहिए मोल्स, ठीक है। अब मोल्स पता होने के लिए क्या चाहिए, तो देखो भाई यहाँ पर ये मास का कुछ आइडिया निकाला जा सकता है, क्योंकि बोला जितना 10^7 मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन का मास होगा उतना ही मास इथेन का होगा, और फिर मास से मोल निकालना बड़ा ही आसान है। तो जरा देख लें मास ऑफ 10^7 मॉलिक्यूल्स
ऑफ मीथेन क्या होता है भाई, सी एच फोर पहले ये निकाल ले क्योंकि वही मास सी टू एच सिक्स का होने वाला है। तो मास कैसे निकलेगा, मोल निकालते हैं, गिवन पार्टिकल्स अपॉन एन ए इंटू मोलर मास सी एच फोर का, कार्बन का 12 इसका 4 ऐड करके 16, ठीक है। सो ये जो वैल्यू आएगी दिस इज मास ऑफ सी एच फोर 10^7 मॉलिकल्स का, एंड दैट विल ओनली बी मास ऑफ सी टू एच सिक्स ऑल्सो। तो सी टू एच सिक्स का मास निकल गया। अब मोल्स ऑफ सी टू एच सिक्स निकालने, क्या मोल्स ऑफ सी टू एच सिक्स कैसे निकालेंगे, मास कितना है 10^7 इंटू 16 अपॉन एन ए, इसी फॉर्म में रखते हैं क्योंकि शायद चीज़ें बाद में कट जाएं। गिवन मास अपॉन क्या करना है, मोलर मास से डिवाइड करना है। सी टू एच सिक्स का मास देख लेते हैं भाई कितना होगा, कार्बन 12 इंटू 2 प्लस 6 जो आ रहा है 30, ठीक है। तो इंटू डिवाइड बाई 30 है तो नीचे 30 कर देते हैं अपने पास, ठीक है। सो दिस मच मोल्स आ गए। अब मॉलिक्यूल्स निकालना है मेरे को फाइनली, मॉलिक्यूल्स निकालना है अपने को सी टू एच सिक्स का। सो मॉलिक्यूल्स कैसे निकलता है भाई बताइए, गिवन मोल दैट इज दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, ठीक है, और इसमें क्या मल्टीप्लाई करते थे एन ए, तो देखो एन ए कट गया इसलिए हमने इनिशियली इसको कट नहीं किया था, ठीक। एंड दस इसके बाद आप इसको सॉल्व कर लीजिए, जो भी वैल्यू आएगी दैट विल बी योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखना, इसमें कुछ टर्म्स की यूज, स्पेशल टर्म्स की यूज हुई है। द चार्ज ऑन 1 ग्राम आयन एल्युमिनियम 3+ इज वॉट, ऑप्शन गिवन है, एन ए अवोगाड्रो नंबर, ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर का जो चार्ज होता है वो। अब जरा याद करो ये टर्म ग्राम आयन, आपको याद होगा ग्राम आयन, ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल एक्चुअली मोल को रिप्रेजेंट करता था। सो 1 ग्राम आयन इज नथिंग बट 1 मोल, सो 1 ग्राम आयन Al3+ इज नथिंग बट 1 मोल Al3+, ठीक है भाई। अब 1 मोल Al3+ के ऊपर का चार्ज कितना है ये मेरे को निकालना है। चलो तो बताना पहले, एक Al3+ पे चार्ज कितना है, 3 पॉजिटिव चार्ज, तो प्लस 3, और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को E लिखा है तो प्लस 3 E लिख दिया हमने, ठीक है। अब अपने को एक के लिए नहीं निकालना, एक मोल के लिए, एक मोल मतलब NaAl3+ के ऊपर का चार्ज प्लस 3 E में अपने को Na मल्टीप्लाई कर देता है, ठीक है। सो इट विल बी 3 Na × E कूलम्स, कूलम्स यूनिट होते हैं इनके। सो देख लेते कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, डी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहां पर इस चीज की जरूरत थी कि ग्राम आयन एक्चुअली मोल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, यहां पे शायद एवरेज मास की जरूरत पड़ी। परसेंटेज बाई मोल ऑफ NO2 इन अ मिक्सचर ऑफ NO2+NO, एक मिक्सचर है जिसमें NO2 और NO को साथ में मिक्स करके रखा गया है, ठीक है। इसमें परसेंटेज बाई मोल ऑफ NO2 क्या होगा, इसका लेट से N1% कुछ है, ठीक है। तो इसका कितना होगा, कुछ 100 - N1%, ठीक है। अब ये मिक्स करने के बाद अपने पास जो इन्फॉर्मेशन है, N1 की वैल्यू एक्चुअली निकालनी है, वो है कि M एवरेज जो है वो है 34। तो जरा देखना, एवरेज मॉलिकुलर मास का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, वो था कुछ ऐसा N1 M1 + N2 M2 / N1 + N2, ठीक है। अब जरा बताओ यहाँ पे N1, M1 ये सब वैल्यू क्या है, तो N1 की वैल्यू परसेंट मोल के परसेंट के टर्म में दी गई है, तो N1 ही मान लेते हैं। मोलर मास ऑफ NO2 जब आप कैलकुलेट करेंगे सो इट विल बी 46। दूसरा परसेंट है 100 - N1 और इसका मोलर मास 30 डिवाइडेड बाय N1 + N2 की वैल्यू एक्चुअली क्या है, देखो इनको और इनको जोड़ दो, दोनों को जोड़ने पर वैल्यू आ रही है 100 और एंड दिस वैल्यू इज 34। जरा इसको सॉल्व करके देखिए, बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा, 46 N1 - 30 N1 + 3000 = 3400, ठीक है। यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो N1 की वैल्यू आ जाएगी 400/16, दैट इज 25%। सो आवर आंसर इज ए, क्लियर है। चलिए एवरेज मास का भी यूज कर लिया हमने, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है
4.48 लीटर ऑफ एसटीपी सॉरी मीथेन एट एनटीपी इज गिवन। ध्यान रखना यहाँ पे जो टर्म एनटीपी यूज किया गया है दैट इज नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। अभी के लिए आप इसको ऑलमोस्ट एसटीपी के जैसा ही माने, प्रेशर का थोड़ा डिफरेंस होता है जो हम गैसियस स्टेट चैप्टर में पढ़ेंगे, बट यहाँ भी अभी एनटीपी देखे आप उसको एसटीपी ही मान लीजिए। सो 4.48 लीटर ऑफ मीथेन एट एसटीपी करस्पॉन्ड्स टू वॉट, चार ऑप्शन दिए गए हैं इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, ग्राम, मोल, इटसी, ठीक है। तो अपने को एसटीपी पे ये पता होता है कि अगर एसटीपी है एट एसटीपी मीथेन हो या कोई भी गैस हो, वन मोल ऑफ गैस, लेट्स से यहाँ मीथेन है तो मीथेन ले लिया, का 22.4 लीटर वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो जरा हम ये पता कर सकते हैं कि 4.48 लीटर में कितना मोल होगा। ऑब्वियसली देखो यूनिटरी मेथड लगाते, वन लीटर में कितना मोल मीथेन का होगा, सो वन अपॉन 22.4 मोल ऑफ मीथेन। सो 4.48 लीटर में कितना होगा, 1 अपॉन 22.4 इंटू 4.48 मोल ऑफ मीथेन। अब क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। जरा इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए कट करने के बाद ये वैल्यू कितनी आएगी बताइए, इट विल बी 0.5, ठीक है। एक्चुअली देखो ये 0.2 आ रहा है, ओके। सो अपने को क्या पता चल गया, मोल ऑफ CH4 इज नथिंग बट 0.2 मोल्स, ठीक है। 0.2 मोल्स में पहले यहां पे देखो इसने 0.5 और 0.1 मोल दिया, तो बी और डी ऑप्शन तो नहीं हो सकते, अपने को क्लियर है, ठीक है। अगर ये नहीं हो सकते तो अब ए और सी में से क्या है ये चेक कर ले। ए में बोल रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और सी में बोल रहा है मास, तो मोल से दोनों चीज़ें निकाली जा सकती है। पहले मॉलिक्यूल्स निकाल लेते हैं, मॉलिक्यूल्स निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर दैट इज 6.023 इनटू 10^23, ठीक है भाई बताइए क्लियर। और मास निकालेंगे तो क्या होगा, मोल इनटू 16 ग्राम दैट इज इट्स मोलर मास। तो इसको जैसे ही सॉल्व करते तो ये क्या आ जाएगा, 3.2 ग्राम ऑफ मिथेन, मतलब सी ऑप्शन तो सही है। व्हाट अबाउट ऑप्शन नेक्स्ट दैट इज ऑप्शन ए, तो जरा इसको रफली मल्टीप्लाई करते हैं। इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करते हो ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2 × 6.023 × 10^22, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अराउंड 12.046 × 10^22, तो ये वैल्यू ए के बराबर नहीं है। सो अपना फाइनल आंसर इज सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर वेपर डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी का यूज आएगा। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गैस ए विथ रिस्पेक्ट टू अनदर गैस बी इज टू, रिलेटिव डेंसिटी आपको याद होगा, अगर मान लो रिलेटिव डेंसिटी ए या बी किसी के लिए भी लिखना होता है तो किसी और के रिस्पेक्ट में लिखा जाता है। तो डेंसिटी ऑफ ए अपॉन डेंसिटी ऑफ बी की वैल्यू 2 दे रखी है, देखिए यहाँ पे बी के रिस्पेक्ट में वैल्यू 2 है। चलो भाई ये पहला इन्फॉर्मेशन गिवन है। दूसरा इन्फॉर्मेशन है वेपर डेंसिटी ऑफ गैस बी 20 है, तो वेपर डेंसिटी ऑफ बी को कैसे लिखेंगे बताना। डेंसिटी ऑफ बी अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, याद है हमने वेपर डेंसिटी पर है और इसकी वैल्यू है 20, इसको सेकंड मान लेते हैं। अपने को वेपर डेंसिटी ऑफ गैस ए निकालना है, दैट विल बी डेंसिटी ऑफ ए अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अब जरा देखो ये जो एक्सप्रेशन है, अगर मैं इस एक्सप्रेशन को फर्स्ट एक्सप्रेशन और सेकेंड एक्सप्रेशन इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ तो आ जाएगा क्या, जरा देखना, 1 × 2 अगर मैं कर देता हूँ तो ये एक्चुअली वैल्यू निकल के आ जाती है, दैट इज देखो रो ए अपॉन रो बी इंटू रो बी अपॉन रो एच टू, तो ये कट गया एंड दिस इज योर डिजायर्ड रो ए अपॉन रो एच टू। तो अब इनकी वैल्यूज भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 × 20 आ गया 40, सो 40 इज आवर डिजायर्ड आंसर, क्लियर है। तो कई बार बच्चे वेपर डेंसिटी देखती मोलर मास बाई 2 कर देते हैं तो वो भी ठीक है, बट यहाँ पे जरूर देखिए कि डेंसिटी के टर्म्स में ही चीज़ें प्ले की गई हैं अराउंड, तो बहुत ही इजी होगा अगर हम डेंसिटी के टर्म में सॉल्व करें, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन हम कैसे अटेम्प्ट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट का। इन सारे क्वेश्चन को वीडियो पॉज कर करके आप जरूर सॉल्व कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए एक बार, सो दैट आप फर्दर क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर पाएँ। धीरे धीरे आपको मोल कॉन्सेप्ट में कॉन्फिडेंस आना बहुत ईजिली स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।